फिलहाल मूवी रिलीज हो चुकी है। रिलीज होते ही इसने मचा दिया है तहलका। टंकी भी कल रिलीज हुई थी और टंकी की 4000 स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन सलार की 6000 स्क्रीनिंग हो चुकी है। और अब तक की जो हतलात है इसकी कलेक्शन के हवाले से, ये टंकी के से भी आगे निकल चुकी है। टंकी से पहले जवान और जो पठान आई थी, पठान ने 57 करोड़ रुपया पहले दिन की कमाई की थी, जबकि जवान ने 89.5 यानी कि तकरीबन 90 करोड़ पहले दिन कमाई की थी, जबकि टंकी सिर्फ 30 करोड़ रुपये कमाई कर चुकी है। और जब सलार की बात करें तो सलार पहले दिन की कमाई जो अप्रोक्सीमेटली बन रही है वो तकरीबन 50 करोड़ के करीब वो अपनी कमाई कर जाएगी। सलार प्रभास का जादू चल रहा है। सलार एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक सल्तनत के हवाले से कहानी बताई गई है। मैं आपको कहानी बताकर आपकी इस फिल्म का मजा खराब नहीं करूंगा, लेकिन डंकी और सलार का जो मुकाबला था, मुकाबला तो इस वक्त टफ जा रहा है। हो सकता है कि कल वीकेंड है, वीकेंड जो फैसला करेगा कि डंकी आगे निकलती है, सलार आगे निकलती है। लेकिन अब तक जो है सलार के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं और सलार की जो ऑडियंस उसको देखने पहुँची है और सिनेमा घरों में जो एक रश तोड़, खिड़की तोड़ एक रश चल रहा है, इससे लग रहा है कि ये सलार है, ये डंकी को पीछे छोड़ देगी। डंकी जवान और पठान से पहले ही पीछे रह चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जवान ने जो किया था वो 57 करोड़ किया था और पठान 89.5 करोड़ यानी कि 90 करोड़ पहले दिन कमाई कर चुकी थी, जबकि डंकी सिर्फ 30 करोड़ कमाई कर सकी है। इसमें सलार का भी एक हो सकता है, क्योंकि सलार की एडवांस बुकिंग भी जो थी वो 30 करोड़ पे हो चुकी थी, 30 करोड़ पे इसकी सलार की बुकिंग हो चुकी थी। तो ये रिकॉर्ड जो था जिस एडवांस बुकिंग से ही रिकॉर्ड इसका टंकी का टूट चुका है। तो अब ये देखना है कि कल वीकेंड का क्या होता है, वीकेंड पे भी आपको अपडेट करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बहरहाल सलार मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए, बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। और ये जो है ये 7 जुबानों में इसको रिलीज किया गया है, पूरी दुनिया में ये इस वक्त रिलीज इसकी जारी है और तमाम जो शो हैं वो हाउसफुल जा